हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल चेस पर। आज के हमारे सेशन में हम डिस्कशन करेंगे कंप्लीट जुलाई मंथ के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस एंड आंसर्स पर। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये सेशन हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को पास किया, यह आजाद भारत की कौन सी भी एजुकेशन पॉलिसी है? ऑप्शंस हैं दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी। आंसर है तीसरी। यह आजाद भारत के इतिहास की तीसरी एजुकेशन पॉलिसी है। पहली एजुकेशन पॉलिसी 1968 में इंदिरा गांधी सरकार के टाइम में और दूसरी एजुकेशन पॉलिसी 1986 में राजीव गांधी सरकार के दौरान आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत देश में शिक्षा पर जीडीपी का कितना खर्च करने का प्रावधान है? ऑप्शंस हैं 4%, 5%, 6%, 8%। आंसर है 6%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार पांचवी कक्षा तक स्कूली शिक्षा की भाषा का माध्यम क्या होगा? ऑप्शंस हैं हिंदी, अंग्रेजी, मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा, राज्य की भाषा। आंसर है मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में 10+2 फॉर्मेट को खत्म करके कौन सी व्यवस्था लागू करने का प्रावधान है? ऑप्शंस हैं 3+4, 3+3+4, 5+3+3+4, 2+5+3+3+4। आंसर है 5+3+3+4। बारहवीं या इंटरमीडिएट तक की शिक्षा को अभी तक 10+2 का फॉर्मेट कहा जाता था, अब इसी 10+2 के फॉर्मेट को बांटकर 5+3+3+4 का फॉर्मेट में ढाला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में किस वर्ष तक हर बच्चे के लिए शिक्षा सुनिश्चित करने की बात की गई है? ऑप्शंस हैं वर्ष 2022, वर्ष 2025, वर्ष 2030, वर्ष 2040। आंसर है वर्ष 2030। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में मेडिकल और लॉ एजुकेशन को छोड़कर अन्य उच्च शिक्षा के लिए कौन सा आयोग बनाने की बात की गई है? ऑप्शंस हैं भारतीय उच्चतर शिक्षा आयोग HECI, विश्वविद्यालय आयोग UC, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग NEC, इनमें से कोई नहीं। आंसर है भारतीय उच्चतर शिक्षा आयोग HECI, नेशनल हायर एजुकेशन कमीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृत और भारतीय भाषाओं के लिए कौन सा संस्थान स्थापित होगा? ऑप्शंस हैं IITI, NITI, PITI, LITI। आंसर है IITI, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को लागू किया है, इसका मसौदा यानी ड्राफ्ट किसकी अध्यक्षता में बने पैनल ने तैयार किया था? ऑप्शंस हैं श्रीकांत माधव, एस जयशंकर, के कस्तूरी रंगन, विमल जलान। आंसर है के कस्तूरी रंगन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन ने ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट रिपोर्ट जारी की, इस रिपोर्ट में भारत की रैंकिंग क्या है? पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। आंसर है तीसरा। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन के ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट की रिपोर्ट के अनुसार भारत ने पिछले एक दशक में वन क्षेत्रों में वृद्धि में शीर्ष 10 देशों में तीसरा स्थान प्राप्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
विश्व स्वास्थ्य संगठन से प्राप्त अनुरोध के कारण भारत ने किस देश को लगभग $1 मिलियन की चिकित्सा सहायता दी है? ऑप्शंस हैं उत्तर कोरिया, चीन, दक्षिण अफ्रीका, पाकिस्तान। आंसर है उत्तर कोरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय ने अपने नाम को शिक्षा मंत्रालय में बदलने का प्रस्ताव दिया है? ऑप्शंस हैं सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, संसदीय कार्य मंत्रालय। आंसर है मानव संसाधन विकास मंत्रालय। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने अपने नाम को शिक्षा मंत्रालय में बदलने का प्रस्ताव दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने सरकारी खरीद में बोली लगाने के लिए किन देशों पर सशर्त प्रतिबंध लगा दिया है? ऑप्शंस हैं चीन और पाकिस्तान, नेपाल और चीन, भूटान और म्यांमार, भारत की सीमा से सटे देश। आंसर है भारत की सीमा से सटे देश। इसके तहत पड़ोसी देशों से कोई भी बोलीकर्ता किसी भी खरीद में बोली लगा सकेगा, लेकिन इसके लिए सक्षम अधिकारी के साथ पंजीकृत होना आवश्यक होगा और बोली लगाने के लिए कंपनियों को विदेश मंत्रालय और गृह मंत्रालय से राजनीतिक और सुरक्षा की मंजूरी लेना होगा। आदेश के दायरे में बैंक और वित्तीय संस्थान, स्वायत्त निकाय, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम और सार्वजनिक निजी भागीदारी परियोजनाएं, सरकार से वित्तीय सहायता प्राप्त इकाइयां आएंगी। राज्य सरकारों और राज्य उपक्रमों की ओर से राज्य सरकार की खरीद के लिए संविधान के अनुच्छेद 257(1) में प्रावधान को लागू किया जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 257(1) में कहा गया है कि कुछ दशाओं में राज्यों पर संघ का नियंत्रण है। अगर भारत के लिए किसी नियम को लागू करना जरूरी होगा तो वह कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई ने अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट में ग्रॉस एनपीए नॉन परफॉर्मिंग एसेट मार्च 2021 तक कितने प्रतिशत बढ़ने का अनुमान लगाया है? ऑप्शंस हैं 12%, 12.5%, 11.5%, 11%। आंसर है 12.5%। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बताया कि मार्च 2021 तक बैंकों का ग्रॉस एनपीए बढ़कर 12.5% हो सकता है। मार्च 2020 में एनपीए 8.5% था। ऐसा कोरोना पेंडेमिक की वजह से खराब आर्थिक स्थिति के कारण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पूर्व राष्ट्रपति की पांचवी पुण्यतिथि पर डीआरडीओ ने 27 जुलाई 2020 को इनोवेटर्स और स्टार्टअप्स के लिए प्रतियोगिता डेयर टू ड्रीम 2.0 लॉन्च किया? ऑप्शंस है वेंकट रमन, के आर नारायणन, शंकर दयाल शर्मा, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। आंसर है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। यह प्रतियोगिता उभरती हुई प्रौद्योगिकी को प्रोत्साहन देने के लिए शुरू की गई है। पुरस्कार की धनराशि के रूप में विजेता स्टार्टअप को 10 लाख रुपए और व्यक्तिगत श्रेणी में 5 लाख रुपए तक दिए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? ऑप्शंस हैं दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, अरुणाचल प्रदेश। आंसर है हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे कब मनाया जाता है? ऑप्शंस हैं 28 जुलाई, 27 जुलाई, 29 जुलाई, 30 जुलाई। आंसर है 28 जुलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने अपने 14वें स्थापना दिवस के अवसर पर किस मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया? ऑप्शंस हैं मौसम, जलवायु, प्राकृतिक, तापमान। आंसर है मौसम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शंस हैं 24 जुलाई,
26 जुलाई, 28 जुलाई, 30 जुलाई। आंसर है 28 जुलाई। प्रोफेसर बारो ब्लमबर्ग ने हेपेटाइटिस बी वायरस की खोज की थी। उन्हें इस खोज के लिए साल 1976 में चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और 28 जुलाई के दिन प्रोफेसर बारुक के जन्म दिवस पर हेपेटाइटिस दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूस ने भारत के किस पड़ोसी देश को S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की डिलीवरी रोक दी? ऑप्शंस हैं पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश, म्यांमार। आंसर है चीन। रूस ने सेंट पीटर्सबर्ग आर्कटिक सोशल साइंस एकेडमी के प्रेसिडेंट वेलेरी मिटको को गिरफ्तार किया था। उन पर आरोप है कि उन्होंने चीन को बेहद संवेदनशील सैन्य जानकारियां दी हैं। रूस ने चीन पर जासूसी और खुफिया दस्तावेजों के चोरी होने का आरोप लगाया है। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम है। यह 400 किलोमीटर के दायरे में आने वाली मिसाइलों और पांचवी पीढ़ी के लड़ाकू विमानों को खत्म कर सकता है। यह सिस्टम एक बार में 72 मिसाइल दाग सकता है और यह अमेरिका के सबसे एडवांस फाइटर जेट F-35 को भी गिरा सकता है। 36 परमाणु क्षमता वाली मिसाइलों को एक साथ नष्ट कर सकता है। चीन और तुर्की के बाद इस डिफेंस सिस्टम को खरीदने वाला भारत तीसरा देश बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस इंटरनेशनल टाइगर्स डे कब मनाया जाता है? ऑप्शंस हैं 27 जुलाई, 28 जुलाई, 29 जुलाई, 30 जुलाई। आंसर है 29 जुलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइगर स्टेटस रिपोर्ट 2018 स्टेटस ऑफ टाइगर को प्रीडेटर्स एंड प्रे इन इंडिया 2018 के अनुसार भारत में कितने बाघ हैं? ऑप्शंस हैं 967, 1967, 2967, 3967। आंसर है 2967 यानी 2967। यह आंकड़ा अनुमानित है। हर 4 सालों पर बाघों की गणना की जाती है। इससे पहले 2014 में गणना की गई थी जिसके अनुसार बाघों की संख्या 2226 थी। भारत में बाघों को विलुप्त होने से बचाने के लिए भारत सरकार ने 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइगर स्टेटस रिपोर्ट 2018 के अनुसार देश में सबसे ज्यादा बाघ किस राज्य में है? ऑप्शंस हैं मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र। आंसर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में बाघों की संख्या 526 जो कि एक अनुमानित आंकड़ा है। इस आंकड़े में मध्य प्रदेश में बाघों की संख्या अनुमानित 526 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का सबसे बड़ा स्वदेशी परमाणु ऊर्जा रिएक्टर जो जुलाई 2020 में चालू हुआ, ऑप्शंस हैं कैगा, काकरापार, तारापुर, कल्पक्कम। आंसर है काकरापार। इसकी क्षमता 700 मेगावाट की है। यह गुजरात के तापी जिले में है। इस रिएक्टर को भारतीय वैज्ञानिकों ने खुद ही डिजाइन किया है और यह प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर है। इसमें कूलेंट के रूप में ड्यूटेरियम का प्रयोग करते हैं। देश में सबसे बड़ा एटॉमिक पावर प्लांट तमिलनाडु के कुडनकुलम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई ने श्रीलंका के साथ कितनी रकम के मुद्रा अदला बदली यानी करेंसी स्वैपिंग के समझौते पर जुलाई 2020 को सिग्नेचर किया है? ऑप्शंस हैं 30 करोड़ डॉलर, 40 करोड़ डॉलर, 50 करोड़ डॉलर, 80 करोड़ डॉलर। आंसर है 40 करोड़ डॉलर, 400 मिलियन डॉलर।
दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय कारोबार डॉलर में होता है, यानी हम जो सामान विदेश से खरीदते या बेचते हैं वो डॉलर में होता है। इसके लिए आरबीआई को डॉलर खरीद कर रखना पड़ता है। तो डॉलर पर निर्भरता कम करने के लिए भारत ने कई देशों के साथ मिलकर करेंसी स्वैपिंग का समझौता किया है। ध्यान रखिएगा, डॉलर पर निर्भरता को कम करने के लिए यह समझौता किया गया है। इसके तहत दो देशों के बीच खरीद व बिक्री उन्हीं की करेंसी में होगी। ऐसे में उस वक्त के विनिमय दर यानी कन्वर्जन रेट के अनुसार दोनों देशों की केंद्रीय बैंक आपस में मुद्रा कन्वर्ट कर लेती हैं। इसे ही करेंसी स्वैपिंग कहते हैं और इससे बीच में डॉलर नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के अनुसार वित्त वर्ष 2020-21 के लिए सरकार ने कितने लाख करोड़ रुपए का विनिवेश लक्ष्य रखा है? ऑप्शंस हैं 1.10 लाख करोड़ रुपए, 2.10 लाख करोड़ रुपए, 3.10 लाख करोड़ रुपए, 2.90 लाख करोड़ रुपए। आंसर है 2.10 लाख करोड़ रुपए। वित्त मंत्री के अनुसार इस वित्त वर्ष 2020-21 के लिए मोदी सरकार ने 2.10 लाख करोड़ रुपए का विनिवेश लक्ष्य रखा है। इसमें से 1.20 लाख करोड़ रुपए PSUs के निवेश से आएंगे और 90,000 करोड़ रुपए वित्तीय संस्थानों में हिस्सेदारी बेचकर जुटाए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लालजी टंडन का निधन 21 जुलाई 2020 को हो गया, वह किस राज्य के राज्यपाल थे? ऑप्शंस हैं बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान। आंसर है मध्य प्रदेश। लालजी टंडन का निधन 85 वर्ष की उम्र में 21 जुलाई को हुआ। वह लखनऊ से 15वीं लोकसभा के सदस्य रह चुके हैं। 2018 में उन्हें पहले बिहार का राज्यपाल बनाया गया और फिर बाद में मध्य प्रदेश का राज्यपाल बनाया गया। उनके बीमार होने के कारण मध्य प्रदेश के राज्यपाल का प्रभार यूपी की गवर्नर आनंदीबेन पटेल को दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पड़ोसी देश ने भयानक बाढ़ देखकर बांध को बम के धमाके से तोड़ दिया? ऑप्शंस हैं भूटान, बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान। आंसर है चीन। चीन के अनहुई प्रांत में चुही नदी का बांध बम धमाके से उड़ा दिया गया ताकि नदी के पानी का दबाव कम हो सके। चुही नदी यांगसी नदी की सहायक नदी है। यांगसी नदी पर दुनिया का सबसे बड़ा डैम है, थ्री रॉजर्स डैम। इसका वाटर लेवल सामान्य से 15 मीटर ऊपर चला गया है। यह डैम पानी के दबाव में टूट गया तो भयानक तबाही हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसीसी ने T20 वर्ल्ड कप कब तक के लिए स्थगित कर दिया है? ऑप्शंस हैं वर्ष 2021, वर्ष 2022, वर्ष 2023, वर्ष 2024। आंसर है वर्ष 2022। T20 वर्ल्ड कप अक्टूबर नवंबर 2020 में ऑस्ट्रेलिया में होने वाला था और इसे COVID-19 पेंडेमिक की वजह से स्थगित कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोरिसाना कॉयट और मारियाना वर्दी नॉइस को किस 2020 पुरस्कार से नवाजा गया है? ऑप्शंस हैं नेल्सन मंडेला पुरस्कार विजेता, भारत रत्न, ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड, हमेने टोरियस अवार्ड। आंसर है नेल्सन मंडेला पुरस्कार। ये सम्मान उन व्यक्तियों को दिया जाता है जो कि मानवता की सेवा के लिए अपना जीवन समर्पित करते हैं। गिनी के मोरिसाना ने अफ्रीका में महिलाओं के खिलाफ हिंसा को समाप्त करने का प्रयास किया और ग्रीस की मारियाना वर्दी नोइनिस ने 30 वर्षों से बच्चों को होने वाले कैंसर के खिलाफ लड़ाई में शामिल रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारत ने अमेरिका, जर्मनी, ब्रिटेन और फ्रांस के साथ हवाई यात्रा शुरू करने के लिए समझौता किया है, उसका क्या नाम है? ऑप्शंस हैं समझौता एयरलाइंस, एयर बबल, कोविड एयरलाइंस, वंदे भारत। आंसर है एयर बबल। इनमें वो ही लोग सफर कर सकते हैं जो कोरोना से जुड़े नियम कानूनों पर खरे उतरते हैं। भारत ने अभी अमेरिका, फ्रांस और जर्मनी के साथ अपना एयर बबल तैयार किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुसूचित जाति के गरीब लोगों के विकास के लिए किस प्रदेश सरकार ने नवीन रोजगार छतनी योजना का लॉन्च किया है? ऑप्शंस हैं उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हिमाचल प्रदेश। आंसर है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 2022 तक प्राकृतिक तरीके से खेती करने वाला देश का पहला राज्य बनेगा? ऑप्शंस हैं उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। आंसर है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल को वर्ष 2022 तक प्राकृतिक तरीके से खेती करने वाला प्रदेश बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इसे हासिल करने के लिए अभी तक प्रदेश की 3,226 पंचायतों में से 2,945 प्राकृतिक खेती शुरू कर चुके हैं। ऐसा होने पर हिमाचल देश का पहला राज्य होगा जहां हर किसान और बागवान प्राकृतिक तरीके से खेती करेगा। हिमाचल में 9.60 लाख किसान परिवार हैं जिनमें से 55,000 किसान प्राकृतिक तरीके से खेती कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और किस देश ने साइबर हमलों से निपटने में सहयोग बढ़ाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन है नेपाल, चीन, रूस, इजराइल। आंसर है इजराइल। इसराइल में भारत के राजदूत संजीव सिंगला और इसराइल के राष्ट्रीय साइबर निदेशालय के महानिदेशक यिगल उन्ना ने इस समझौते पर हस्ताक्षर किया है। इस समझौते से साइबर खतरों पर देश के बीच सूचनाओं का आदान प्रदान का दायरे में विस्तार होगा। यह समझौता क्षमता निर्माण और क्षेत्र में सर्वोत्तम प्रथाओं के आपसी आदान प्रदान में सहायता करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फीफा ने घोषणा की कि 2022 विश्व कप किस देश में आयोजित किया जाएगा? ऑप्शंस हैं कतर, इजराइल, रूस, जापान। आंसर है कतर। फीफा ने घोषणा की है कि 2022 विश्व कप कतर में आयोजित किया जाएगा। 2022 का फीफा विश्व कप अरब में आयोजित होने वाला पहला विश्व कप होगा और मुस्लिम बहुल देशों में भी पहला होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया के सबसे बड़े अमेरिकी युद्धपोत यूएसएस निमित्ज और भारतीय नेवी के युद्धपोतों ने कौन सा युद्धाभ्यास किया? ऑप्शंस हैं पैसेज एक्सरसाइज पैक्सिक्स, मालाबार एक्सरसाइज, मित्र शक्ति, अजय वॉरियर। आंसर है पैसेज एक्सरसाइज पैसेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना ने गाइडेड मिसाइल नाग के अपडेटेड वर्जन का सफल परीक्षण किया, इसका नया नाम क्या है? ऑप्शंस हैं नागास्त्र, अक्षास्त्र, मेघास्त्र, ध्रुवास्त्र। आंसर है ध्रुवास्त्र। ध्रुवास्त्र का परीक्षण ओडिशा के बालासोर में हुआ है। यह 7 किलोमीटर के दायरे में दुश्मन के टैंकों को निशाना बना सकती है। ध्रुवास्त्र फायर एंड फॉरगेट सिस्टम पर काम करती है, यानी इसे दागे जाने के बाद फिर कोई कमांड की जरूरत नहीं होती है। यह सटीक निशाना साधती है। यह उड़ान भरने के बाद अपने ऑपरेटर के पास पूरे इलाके के फोटो भी भेजती रहती है। इस क्षेत्र में मौजूद दुश्मन के टैंकों की संख्या का पता चल जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी वाडा ने भारत की नेशनल डोपिंग टेस्ट लैब NDTL के सस्पेंशन को कितने समय के लिए बढ़ा दिया है? ऑप्शंस है 9 माह, 6 माह, 1 साल, 3 साल. 3 माह. आंसर है 6 माह. वाडा ने पिछले साल 23 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय मानक पूरे नहीं होने के कारण 6 महीने के लिए प्रतिबंध लगाया था. खेल मंत्रालय और NDTL को अपनी कमियों को दूर करने को कहा था. वाडा के इस फैसले से अगले साल होने वाले टोक्यो ओलंपिक की तैयारी को लेकर भारत को बड़ा झटका लगा है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोनार झील का रंग गुलाबी होने की वजह कौन सा बैक्टीरिया है? ऑप्शंस हैं वाइब्रियो बैक्टीरिया, हालो आर्चिया बैक्टीरिया, मेनिनजाइटिस बैक्टीरिया, स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया. आंसर है हालो आर्चिया बैक्टीरिया. पुणे स्थित आगरकर अनुसंधान संस्थान के निदेशक डॉक्टर प्रशांत धागे फालकर का कहना है कि हालो आर्चिया या हालो फिलिक आर्चिया एक ऐसा जीवाणु होता है जो गुलाबी रंग पैदा करता है और यह खारे पानी में पाया जाता है. लोनार झील महाराष्ट्र के बुढ़ाला जिले में है और यह एक खारे पानी की झील है. इस झील का निर्माण 50,000 साल पहले एक उल्का पिंड के टकराने से हुआ. नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीन के पहले मंगल मिशन का क्या नाम है? ऑप्शंस हैं तियानवेन 1, लॉग मार्च 5, तियानवेन 2, लॉग मार्च 5. आंसर है तियानवेन 1. चीन के ई तियानवेन 1 को लॉन्ग मार्च 5 रॉकेट से लॉन्च किया गया. यह फरवरी 2021 तक मंगल ग्रह की कक्षा में पहुंच सकता है. ऑर्बिटर मंगल ग्रह का चक्कर करीब 3 महीने तक लगाएगा. इसके बाद इसमें से लैंडर और रोवर निकलकर मंगल ग्रह पर उतरेगा. इससे पहले 2011 में चीन ने मंगल मिशन का प्रयास किया था लेकिन वह विफल हो गया था. नेक्स्ट क्वेश्चन है, ICC के लार प्रतिबंध का उल्लंघन करने वाले निम्न में से पहले क्रिकेटर कौन बन गए हैं? ऑप्शंस हैं टिम पेन, विराट कोहली, डॉम सिबले, ओले स्टोन. आंसर है डॉम सिबले. इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज के बीच ओल्ड ट्रैफर्ड में खेले जा रहे हैं दूसरे टेस्ट मैच में इंग्लैंड के सलामी बल्लेबाज डॉम सिबले ने गेंद पर गलती से लार लगाकर ICC के नियमों का उल्लंघन किया है. इसी के साथ वे क्रिकेट की बहाली के बाद गेंद पर लार का इस्तेमाल करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं. कोरोना महामारी फैलने के बाद क्रिकेटर पर लगे ब्रेक के बाद यह पहली इंटरनेशनल सीरीज है. अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC ने कोरोना वायरस संक्रमण फैलने की वजह से गेंद को चिपकाने के लिए लार लगाने पर प्रतिबंध लगा फैसला लिया है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने छात्रों को मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण हेतु मनोसामाजिक सहायता प्रदान करने हेतु किस पहल की शुरुआत की है? ऑप्शंस हैं स्वभाव दर्पण, मनोदर्पण, हिम्मत, इनमें से कोई नहीं. आंसर है मनोदर्पण. कोरोना संकट काल के दौरान विद्यार्थियों, उनके परिवार और अध्यापकों के मानसिक स्वास्थ्य के लिए केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने यह एक विशेष पहल की है. विकास मंत्रालय ने छात्रों को तनाव मुक्त रखने के लिए ऑनलाइन वेब पेज और टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर जारी किया है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश का नागरिक उड्डयन प्राधिकरण रावण के उड्डयन मार्गों पर शोध करेगा? ऑप्शंस हैं
भारत, चीन, श्रीलंका, नेपाल। आंसर है श्रीलंका। श्रीलंका के नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ने अब 5000 साल पहले रावण द्वारा उड़ान भरने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले तरीकों को समझने के लिए एक पहल शुरू की है। पौराणिक कथाओं और रामायण के अनुसार रावण के पास पुष्पक नाम का एक विमान था। इसी विमान पर उसने सीता माता का अपहरण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किस राज्य में जोरम मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया? ऑप्शंस है कर्नाटक, मिजोरम, असम, केरल। आंसर है मिजोरम। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री ने बताया कि जोरम मेगा फूड पार्क 5000 लोगों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार देगा और कोर प्रसंस्करण केंद्र एवं प्राथमिक प्रसंस्करण केंद्र के जल ग्रहण क्षेत्रों के लगभग 25,000 किसानों को लाभान्वित करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद ने श्रमिकों की मदद के लिए निम्न में से किस ऐप को लॉन्च किया है? ऑप्शंस हैं प्रवासी रोजगार ऐप, हम सफर रोजगार ऐप, साथी रोजगार ऐप, सोच रोजगार ऐप। आंसर है प्रवासी रोजगार ऐप। फिल्म अभिनेता सोनू सूद ने प्रवासी मजदूरों को देश भर में विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों का पता लगाने में मदद करने के लिए प्रवासी रोजगार ऐप शुरू किया है। इस मोबाइल ऐप की मदद से नौकरी ढूंढने से जुड़ी जरूरी जानकारी आसानी से मिल सकेगी। सोनू सूद मुंबई में लॉकडाउन के दौरान फंसे प्रवासी मजदूरों को उनके गृह नगरों तक पहुंचाने में बड़ी भूमिका निभा चुके हैं। सोनू सूद ने महाराष्ट्र के शहरों से उत्तर प्रदेश, बिहार और दूसरे राज्यों के प्रवासी मजदूरों को उनके गृह नगरों तक पहुंचाने के लिए खास बसों का इंतजाम किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका ने किस देश को ह्यूस्टन में अपना वाणिज्य दूतावास बंद करने का आदेश दिया है? ऑप्शंस है नेपाल, पाकिस्तान, चीन, रूस। आंसर है चीन। चीन ने हाल ही में कहा है कि अमेरिका ने उसे ह्यूस्टन स्थित अपना वाणिज्य दूतावास बंद करने का आदेश दिया है। यह कदम ऐसे वक्त में आया है जब दुनिया की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच तनाव बढ़ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीआरडीओ द्वारा भारतीय सेना हेतु स्वदेशी विकसित ड्रोन का क्या नाम है? ऑप्शंस हैं भारत, भीष्म, कर्ण, पृथ्वी। आंसर है भारत। भारत चीन तनाव के बीच डीआरडीओ ने एक उच्च क्वालिटी ड्रोन का विकास किया है, ड्रोन विकसित किया है। इस ड्रोन का नाम रखा गया है भारत। पूर्वी लद्दाख के वास्तविक नियंत्रण रेखा LSE के ऊंचाई वाले क्षेत्रों और पहाड़ी इलाकों में सटीक निगरानी रखने के लिए भारत नाम का स्वदेशी ड्रोन बनाया गया है। भारत ड्रोन को DRDO के चंडीगढ़ स्थित प्रयोगशाला में तैयार किया गया है। इस ड्रोन को विश्व के सबसे चुस्त और हल्के निगरानी ड्रोन के रूप में सूचीबद्ध किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने विदेश में इमरजेंसी ऑयल रिजर्व बनाने के लिए किस देश के साथ MOU साइन किया है? ऑप्शंस हैं USA, ईरान, कतर, सऊदी अरब। आंसर है USA। भारत अमेरिका में तेल जमा करने यानी स्टोरेज की जगह को किराए या लीज पर ले रहा है। भारत अमेरिका से तेल खरीदेगा और वहीं पर स्टोर करके रख देगा। ऐसा पहली बार है जब भारत विदेश में स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व बना रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मूल के चंद्रिका प्रसाद संतोखी को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है? ऑप्शंस हैं सूरीनाम, चिली, सैन मैरिनो, मालदीव। आंसर है सूरीनाम। चंद्रिका प्रसाद संतोखी सूरीनाम के 9वें राष्ट्रपति चुने गए हैं। उनके पूर्वज बिहार के थे। इससे पहले 1880 के दशक में भी भारतीय मूल के ही रामसेवक शंकर भी राष्ट्रपति रह चुके हैं। सूरीनाम में 5,87,000 की आबादी है। इसमें से 27.4% लोग भारतीय मूल के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC ने युवा ओलंपिक खेल 2022 को स्थगित कर दिया है, यह खेल अब कब होगा? ऑप्शंस हैं साल 2024, साल 2023, साल 2022, साल 2026। आंसर है साल 2026। यह आयोजन 2022 में अफ्रीकी देश सेनेगल की राजधानी डाकर में होना था। कोरोना वायरस की वजह से इंटरनेशनल ओलंपिक काउंसिल ने इसे 4 साल तक के लिए स्थगित कर दिया है। अब यह 2026 में आयोजित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली लोक अदालत का आयोजन किस राज्य में किया गया? ऑप्शंस हैं राजस्थान, छत्तीसगढ़, पंजाब, उत्तर प्रदेश। आंसर है छत्तीसगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दादा साहेब फाल्के फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2020 के दौरान बेस्ट डॉक्यूमेंट्री का अवार्ड किसे मिला है? ऑप्शंस हैं फ्री सोलो, चीलूपो, हनी हंटिंग, हनी मनी। आंसर है चीलूपो। इस शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री को केजोंग डी थोंगडोक ने बनाया है। केजोंग डी थोंगडोक अरुणाचल प्रदेश के रहने वाले हैं। डॉक्यूमेंट्री में हनी हंटिंग, जिसमें मधुमक्खी छत्तों से शहद इकट्ठा करने का काम है, उसको लेकर बनाई गई है। इसमें शर्टू कपेन समुदाय की प्रचलित शहद के शिकार की परंपरा को दिखाया गया है। यह फिल्म फेस्टिवल एक नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। यह केंद्र सरकार द्वारा दिए जाने वाले दादा साहेब फाल्के अवार्ड से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन की ताजा जारी वर्ल्ड रैंकिंग में 52 किलो वेट कैटेगरी में दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी कौन बने हैं? ऑप्शंस हैं दीपक, अमित पंघाल, मनीष कौशिक, कविंदर सिंह। आंसर है अमित पंघाल। अमित पंघाल 52 किलो वेट कैटेगरी में दुनिया के नंबर 1 बॉक्सर बने हैं। पहली बार भारत के 12 मुक्केबाज टॉप 10 में रहे हैं। इसमें 8 महिला और 4 पुरुष शामिल हैं। ऐसा पहली बार हुआ है कि 9 बॉक्सरों ने ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है। इससे पहले 2012 में 8 मुक्केबाजों ने ओलंपिक कोटा हासिल किया था। इस बार ओलंपिक जापान में 2021 में होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट ने पद्मनाभ स्वामी मंदिर के मुख्य प्रबंध कमेटी में त्रावणकोर के राज परिवार की भूमिका को बनाए रखने का आदेश दिया है। यह मंदिर किस राज्य में स्थित है? ऑप्शंस हैं तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश। आंसर है केरल। जस्टिस यूयू ललित और जस्टिस इंदु मल्होत्रा की बेंच ने यह फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मंदिर के प्रबंधन के लिए बनने वाली मुख्य कमेटी में पूर्ववर्ती राज परिवार की मुख्य भूमिका रहेगी। पद्मनाभ स्वामी मंदिर केरल के तिरुवनंतपुरम जिले में स्थित है। भगवान पद्मनाभ के इस भव्य मंदिर का पुनर्निर्माण 18वीं शताब्दी में त्रावणकोर शाही परिवार ने कराया था और पद्मनाभ स्वामी का मंदिर देश के सबसे धनी मंदिरों में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त वर्ष 2019-20 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार इंडिया टॉप ट्रेडिंग पार्टनर कौन सा देश बना? ऑप्शंस हैं रूस, अमेरिका, चीन, ब्रिटेन। आंसर है अमेरिका। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने यह आंकड़ा जारी किया है। यह लगातार दूसरा साल है जब अमेरिका सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बना है भारत का। उससे पहले के सालों में चीन यह स्थान रखता था। भारत और अमेरिका के बीच 2019-20 में द्विपक्षीय व्यापार 88.75 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है। अमेरिका उन कुछ देशों में से एक है जिसके साथ हमारा ट्रेड सरप्लस है, जिसका मतलब है हम जितना निर्यात करते हैं उससे कम आयात करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनाइटेड किंगडम में एफडीआई का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत कौन सा देश बन गया? ऑप्शंस हैं भारत, अमेरिका, फ्रांस, जापान। आंसर है भारत। यूनाइटेड किंगडम के डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड ने यह आंकड़ा जारी किया है, जिसमें पहले नंबर पर अमेरिका है। वहां के कारोबारियों ने 462 प्रोजेक्ट शुरू किए, जिससे 2031 रोजगार सृजित हुए। दूसरे नंबर पर भारत है। इनके अनुसार भारतीय कारोबारियों ने वर्ष 2019-20 में ब्रिटेन में 120 परियोजनाओं में निवेश किया और 5429 नए रोजगार का अवसर सृजन किया है। जब कोई विदेशी कंपनी संगठन निवेश करता है तो उसे एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, EIU इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी कैंसर नियंत्रण की तैयारी में 10 एशिया पैसिफिक देशों की रैंकिंग में भारत का कौन सा स्थान है? ऑप्शंस हैं 1, 4, 6, 8। आंसर है 8, यानी 8वीं रैंकिंग। रिपोर्ट का नाम है कैंसर प्रिपेयर्डनेस इन एशिया पैसिफिक, प्रोग्रेस टुवर्ड्स यूनिवर्सल कैंसर कंट्रोल। हिंदी में, एशिया प्रशांत में कैंसर की तैयारी, सार्वभौमिक कैंसर नियंत्रण के लिए प्रगति। इस रिपोर्ट में शामिल 10 एशिया प्रशांत देश हैं, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, चीन, भारत, इंडोनेशिया, जापान, मलेशिया, फिलीपींस, दक्षिण कोरिया, थाईलैंड और वियतनाम। रैंकिंग में ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर दक्षिण कोरिया, थर्ड मलेशिया, भारत का 8वां स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया कप 2020 कब तक के लिए स्थगित किया गया है? ऑप्शंस हैं जून 2021, अप्रैल 2021, जून 2022, मई 2021। आंसर है जून 2021। एशियाई क्रिकेट परिषद ने कोविड-19 के चलते स्थगित किया है यह। एशिया कप का आयोजन इसी साल सितंबर में होना था, अब यह अगले साल श्रीलंका में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाई विकास बैंक एशियन डेवलपमेंट बैंक ने अपना नया उपाध्यक्ष वाइस प्रेसिडेंट किसे चुना है? दिवाकर गुप्ता, अशोक लवासा, मनीष कुमार शर्मा, आनंद जोशी। आंसर है अशोक लवासा। अशोक लवासा एशियन डेवलपमेंट बैंक के वर्तमान उपाध्यक्ष दिवाकर गुप्ता का स्थान लेंगे। वह देश के चुनाव आयुक्त हैं और अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले हटने वाले वो दूसरे चुनाव आयुक्त होंगे। लवासा से पहले सन 1973 में मुख्य चुनाव आयुक्त नागेंद्र सिंह भी अपने पद से हटे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ एस्ट्रोनॉटिक्स ने वॉन कर्मन अवार्ड 2020 के लिए किसे चुना है? ऑप्शंस हैं अनुराधा टीके, प्रोफेसर उडुपी रामचंद्र, डॉक्टर के सिवन, डॉक्टर के एन राव। आंसर है डॉक्टर के सिवन। इसरो के अध्यक्ष डॉक्टर के सिवन को 2021 में यह सम्मान मिलेगा। यह पुरस्कार पाने वाले वो तीसरे भारतीय हैं। इससे पहले प्रोफेसर उडुपी रामचंद्र राव को इस पुरस्कार को पाने वाले वो पहले इंडियन थे। उन्हें यह अवार्ड सन 2005 में मिला था और उसके बाद 2007 में डॉक्टर कृष्णा स्वामी कस्तूरी रंगन को यह अवार्ड मिला था। वॉन कर्मन अवार्ड का नाम IAAS के संस्थापक थियोडोर वॉन कर्मन साइंटिस्ट के नाम पर रखा गया है। थियोडोर वॉन कर्मन एक इंजीनियर और भौतिक विज्ञानी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने किस बीमारी के लिए स्वदेशी वैक्सीन न्यूमोकोकल पॉलीसेकेराइड कॉन्जुगेट को मंजूरी दी है? ऑप्शंस हैं कोविड-19, निमोनिया, मलेरिया, इनमें से कोई नहीं। आंसर है निमोनिया।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे ने निम्न में से कब तक रेलवे को ग्रीन रेलवे बनाने की घोषणा की है? ऑप्शंस हैं साल 2050, साल 2045 तक, साल 2030 तक, इनमें से कोई नहीं। आंसर है साल 2030 तक। रेलवे ने साल 2030 तक विभिन्न उपायों को अपनाकर अपने कार्बन उत्सर्जन को शून्य कर पूरी तरह हरित होने का लक्ष्य निर्धारित किया है। रेलवे ने इस पहल के तहत रेल लाइनों के विद्युतीकरण, ऊर्जा दक्षता सुधारने और अच्छे ऊर्जा स्रोतों का इस्तेमाल करने जैसे उपाय अपनाए जाएंगे। रेलवे ने बड़ी लाइन के सभी मार्गों का दिसंबर 2023 तक विद्युतीकरण करने का भी लक्ष्य निर्धारित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईरान किस देश को बड़ा झटका देते हुए चाबहार रेल परियोजना से बाहर कर दिया है? ऑप्शंस हैं भारत, नेपाल, रूस, जापान। आंसर है भारत। ईरान ने हाल ही में भारत को बड़ा झटका देते हुए चाबहार रेल परियोजना से बाहर कर दिया है। ईरान ने यह घोषणा किया है कि अब वह अकेले इस परियोजना को पूरा करेगा। इस परियोजना के तहत ईरान के चाबहार पोर्ट से लेकर जहेदान इलाके तक रेल परियोजना बनाई जानी थी। इस रेल परियोजना को अफगानिस्तान के जारांज सीमा तक बढ़ाए जाने की भी योजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट ने किस वर्ग को सार्वजनिक रोजगार और शिक्षा में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के समान ही छूट दिए जाने की बात कही है? ऑप्शंस हैं जैन समुदाय, बौद्ध समुदाय, दिव्यांग वर्ग, उपरोक्त सभी। आंसर है दिव्यांग वर्ग। सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार दिव्यांग व्यक्ति सामाजिक रूप से पिछड़े हैं। वे सार्वजनिक रोजगार और शिक्षा में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के रूप में छूट पाने के समान लाभ के हकदार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केर पूजा का संबंध किस राज्य से है? ऑप्शंस हैं असम, त्रिपुरा, बिहार, मणिपुर। आंसर है त्रिपुरा। यह त्योहार त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में आयोजित किया जाता है। केर पूजा त्रिपुरा का सबसे अनूठा त्योहार है। इसमें पूजा के दौरान उस विशेष परिवेश में मृत्यु, जन्म या मनोरंजन का कोई स्थान नहीं होता है। इस त्योहार के दौरान राजधानी के प्रवेश द्वार बंद कर दिए जाते हैं और इसमें भाग लेने वाले प्रतिभागियों को जूते पहन के आग जलाने, नृत्य करने या गाने की अनुमति नहीं होती है। यह त्योहार बुरी आत्मा को दूर भगाने और सभी की भलाई करने से संबंधित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने देहिंग पटकाई वन्य जीव अभ्यारण्य को एक राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अपग्रेड करने का निर्णय लिया है? ऑप्शंस हैं असम, पंजाब, कर्नाटक, तमिलनाडु। आंसर है असम। असम सरकार ने देहिंग पटकाई वन्य जीव अभ्यारण्य को एक राष्ट्रीय उद्यान के रूप में ग्रेड करने का निर्णय लिया है। देहिंग पटकाई वन्य जीव अभ्यारण्य का क्षेत्रफल 111.942 वर्ग किलोमीटर है और यह देहिंग पटकाई एलिफेंट रिजर्व की परिधि के अंदर अवस्थित है। देहिंग पटकाई वन्य जीव अभ्यारण्य ऊपरी असम के कोयले एवं तेल समृद्ध जिलों डिब्रूगढ़, तिनसुकिया एवं शिवसागर में फैला हुआ है। अपग्रेड होने के बाद देहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य असम का छठवां राष्ट्रीय उद्यान होगा। इससे पहले अन्य 5 राष्ट्रीय उद्यान हैं, जिसमें काजीरंगा, नामेरी, मानस, औरंग और डिब्रू साइखोवा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने ट्रांसजेंडर्स को अब किस सेवा क्षेत्र में भर्ती देने का निर्णय लिया है? ऑप्शंस हैं पुलिस, सेना, अर्धसैनिक बल, हर सरकारी विभाग। आंसर है अर्धसैनिक बल। अब ट्रांसजेंडर सीआरपीएफ, बीएसएफ, एसएसबी और सीआईएसएफ में लड़ाकू टुकड़ियों का नेतृत्व करने के लिए आवेदन कर सकते हैं। सरकार की तरफ से इसकी आधिकारिक पुष्टि कर दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ऑर्किड फूल की दुर्लभ प्रजाति
यूलोफिया ऑब्टुसा को कितने सालों बाद देखा गया है? ऑप्शंस हैं 99 साल, 90 साल, 100 साल, 118 साल। आंसर है 118 साल। ऑर्किड फूल की इस प्रजाति को आज से लगभग 118 साल पहले सन 1902 में देखा गया था। उत्तर प्रदेश के दुधवा टाइगर रिजर्व में वन अधिकारियों और वन जीव एक्सपर्ट्स को निरीक्षण के दौरान मिले वैज्ञानिक नाम यूलोफिया ऑब्टुसा वाला फूल देखने को मिला है। इससे पहले भी इसे पीलीभीत में देखा गया था। इसे ग्राउंड ऑर्किड के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया के सबसे बड़े सोलर प्लांट का उद्घाटन पीएम मोदी ने किया, यह कहां पर स्थित है? ऑप्शंस हैं रीवा मध्य प्रदेश, सतना मध्य प्रदेश, झांसी उत्तर प्रदेश, जमशेदपुर बिहार। आंसर है रीवा मध्य प्रदेश। यह सोलर पार्क 500 हेक्टेयर जमीन पर बना हुआ है। इसमें 250 मेगावाट क्षमता वाले 3 सौर उत्पादन यूनिट हैं, जिसका कुल उत्पादन 750 मेगावाट का है। यह प्रोजेक्ट हर साल करीब 15 लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर कार्बन उत्सर्जन को कम करेगी। यह दिल्ली मेट्रो को अपने कुल उत्पादन का 24% बिजली देगी, जबकि शेष 76% मध्य प्रदेश के राज्य बिजली वितरण कंपनियों को देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के केबल ऑपरेटर्स ने भारत के प्राइवेट न्यूज चैनल को बैन कर दिया है? ऑप्शंस हैं पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान। आंसर है नेपाल। नेपाल के केबल ऑपरेटर्स ने दूरदर्शन को छोड़कर सभी प्राइवेट भारतीय न्यूज चैनलों पर प्रतिबंध लगा दिया है। नेपाल ने यह कदम भारतीय न्यूज चैनलों की भारी ऑनलाइन आलोचना को देखते हुए उठाया गया है। भारतीय न्यूज चैनलों पर नेपाली राजनेताओं की छवि खराब करने के आरोप लगाए गए हैं, जिसमें प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली भी शामिल हैं, जबकि अभी तक इस संबंध में नेपाली सरकार द्वारा कोई आधिकारिक आदेश जारी नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, WHO ने भारत के किन पड़ोसी देशों को खसरा और रूबेला मुक्त घोषित किया है? ऑप्शंस हैं पाकिस्तान और अमेरिका, श्रीलंका और मालदीव, मालदीव और ब्राजील, श्रीलंका और बांग्लादेश। आंसर है श्रीलंका और मालदीव। खसरा श्वसन प्रणाली में वायरस, विशेष रूप से मोरबिली वायरस के जीन्स पैरामिक्सो वायरस के संक्रमण से होता है। इसके लक्षणों में बुखार, खांसी, बहती हुई नाक, लाल आंखें और एक सामान्यकृत मैकुलोपॉपुलर एरिथेमाटस चकत्ते भी शामिल है। खसरा कभी कभी अंग्रेजी नाम मीजल्स के नाम से भी जाना जाता है। रूबेला एक वायरस के कारण होता है, वायरस जनित बीमारी है। इसे जर्मन मीजल्स भी कहते हैं। रूबेला खांसी छींक के द्वारा एक रोगी से दूसरे रोगी को फैलता है। जो लोग वायरस की चपेट में आ जाते हैं वे एक हफ्ते तक संक्रामक होते हैं। एक सप्ताह के बाद उनके शरीर पर दाने और चकत्ते आने लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 100% घरों को गैस कनेक्शन देने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? ऑप्शंस हैं हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, पंजाब, गुजरात। आंसर है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में उज्ज्वला योजना से ग्रामीण क्षेत्र के 1.36 लाख परिवार लाभान्वित हुए हैं। राज्य सरकार ने केंद्र सरकार की इस योजना के तहत लाभ नहीं पा सके परिवारों के लिए हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना शुरू की, जिसके अंतर्गत 276,243 परिवारों को निशुल्क गैस कनेक्शन दिए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण के प्रथम अध्यक्ष के रूप में निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शंस हैं इंजेती श्रीनिवास, विक्रम सेठ, मनमोहन कुमार, राहुल सचदेवा। आंसर है इंजेती श्रीनिवास।
इंजेटी श्रीनिवास को अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा प्राधिकरण का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। वो 3 साल तक इस पद पर अपनी सेवा देंगे। यह देश में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रों में सभी वित्तीय सेवाओं को विनियमित करने के लिए एक एकीकृत निकाय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देने वाले विदेशी और देसी प्रशिक्षकों की प्रशिक्षण अवधि अब कितने साल की होगी? ऑप्शंस हैं 5 साल, 3 साल, 4 साल, 2 साल। आंसर है 4 साल। खेल मंत्री किरण रिजिजू ने बताया कि उभरते हुए खिलाड़ियों को सही प्रशिक्षण सुनिश्चित करने के लिए यह फैसला किया गया है। उन्होंने कहा है कि इस फैसले से ओलंपिक्स सहित सभी बड़े टूर्नामेंट्स में भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन में सुधार होगा। बार बार कोच के बदलने से खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर असर पड़ता है। टोक्यो ओलंपिक्स को अगले साल तक के लिए स्थगित किए जाने के मद्देनजर सभी विदेशी प्रशिक्षकों का कॉन्ट्रैक्ट अगले साल 30 सितंबर तक बढ़ा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार हाल ही में कितने लाख करोड़ रुपए का कृषि अवसंरचना कोष स्थापित करने को मंजूरी दे दी है? ऑप्शंस हैं 5 लाख करोड़ रुपए, 2 लाख करोड़ रुपए, 1 लाख करोड़ रुपए, 3 लाख करोड़ रुपए। आंसर है 1 लाख करोड़ रुपए। सरकार ने हाल ही में 1 लाख करोड़ रुपए का कृषि अवसंरचना कोष स्थापित करने को मंजूरी दे दी है। इस कोष की स्थापना उद्यमियों, स्टार्टअप, कृषि प्रौद्योगिकी उद्यमों और किसान समूहों को कृषि क्षेत्र में बुनियादी ढांचा सुविधाओं और माल के रख रखाव की स्थापना हेतु वित्तीय समर्थन देने के वास्ते किया जाएगा। कृषि अवसंरचना कोष प्रधानमंत्री के 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज का हिस्सा है। कोरोना वायरस महामारी से बुरी तरह प्रभावित अर्थव्यवस्था को उबारने के लिए इस पैकेज की घोषणा की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के 66वें शतरंज ग्रैंड मास्टर निम्न में से कौन बने हैं? ऑप्शंस हैं जी आकाश, राहुल त्यागी, अमर सैनी, मोहन सचदेवा। आंसर है जी आकाश। तमिलनाडु के जी आकाश देश के 66वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। चेन्नई के इस खिलाड़ी की फाइट रेटिंग 2495 है। ग्रैंड मास्टर वह सर्वोच्च खिताब होता है जिसे एक शतरंज खिलाड़ी द्वारा अपने करियर में प्राप्त किया जा सकता है। यह खिताब विश्व में शतरंज के सर्वोच्च शासी निकाय यानी अंतर्राष्ट्रीय शतरंज संघ फाइट द्वारा प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राज्य सरकारी जमीनों की सुरक्षा के लिए अंतरिक्ष तकनीक और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? ऑप्शंस हैं उत्तर प्रदेश, गुजरात, ओडिशा, आंध्र प्रदेश। आंसर है ओडिशा। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में लैंड यूज इंटेलिजेंस सिस्टम की शुरुआत की गई है। यह सिस्टम भुवनेश्वर में सभी सरकारी भूमि में बदलाव और अतिक्रमण की निगरानी करेगा। यह एक मोबाइल ऐप के जरिए भूमि उपयोग को बदलने का प्रयास किए जाने पर अधिकारियों को सूचित करेगा और जीपीएस के माध्यम से सटीक जगह की जानकारी देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय कंपनी ने कोरोना की वैक्सीन को वैक्सीन बनाई जिसके ह्यूमन ट्रायल की अनुमति ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने दी? ऑप्शंस हैं भारत बायोटेक इंडिया, इपका लेबोरेटरीज, जाइडस कैडिला, वॉलेस फार्मास्यूटिकल्स। आंसर है भारत बायोटेक इंडिया। भारत बायोटेक इंडिया ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे के साथ मिलकर इस वैक्सीन को बनाया है। इसमें डेड वायरस यानी कि मृत वायरस का यूज किया गया है जो कि निष्क्रिय होते हैं। भारत में दवा वैक्सीन या वैक्सीन के प्रयोग और मार्केट में मरीजों के लिए आने से पहले सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन की अनुमति लेनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने भारत का पहला कवक पार्क यानी लाइकन पार्क विकसित किया है? ऑप्शंस हैं झारखंड, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड।
आंसर है उत्तराखंड। भारत का पहला कवक पार्क यानी लाइकेन पार्क उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में कुमाऊं के मुनस्यारी में स्थित है। कवक एक वनस्पति है जो कि पेड़ के तनों, दीवारों और चट्टानों पर पैदा होता है और यह कई रंग रूपों में पाया जाता है। ये आर्कटिक टुड्रा, गर्म शुष्क रेगिस्तान, चट्टानी तटों, विषाक्त ढेर, छतों, नंगे चट्टानों, दीवारों, उजागर मिट्टी की सतह पर आसानी से पाए जाते हैं। इस परियोजना का उद्देश्य विभिन्न लाइकेन प्रजातियों के वितरण, उनके निवास, उनके रूपात्मक और शारीरिक पहलुओं, सर्वेक्षण और साहित्य की समीक्षा, प्रजातियों का संस्थापन, मानव जाति और जलवायु कारकों सहित उनके रहने के स्थान पर होने वाले वर्तमान खतरों का अध्ययन करना और उपयुक्त संरक्षण रणनीतियों को तैयार करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन एयरफोर्स ने टिड्डी दल से निपटने के लिए किस हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल शुरू किया? ऑप्शंस हैं MI-17, MI-25, MI-26, डी चेतक। आंसर है MI-17। भारत में टिड्डी दल का इसी साल दूसरा हमला भी हुआ है। इन्हें रोकने के लिए कृषि मंत्रालय ने कीटनाशकों को छिड़कने के लिए ड्रोन का भी इस्तेमाल किया, लेकिन ये नाकाफी था। एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर MI-17 में कुछ फेरबदल किए गए हैं। इसमें कीटनाशक छिड़काव की खास तरह की मशीन लगाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने हाल ही में किसको अगले 3 साल तक के लिए फिर से सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किया है? ऑप्शंस हैं तुषार मेहता, अशोक भूषण, मुकुल रोहतगी, संजय कुमार। आंसर है तुषार मेहता। केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने वरिष्ठ वकील तुषार मेहता को सॉलिसिटर जनरल के रूप में 3 वर्षों के लिए फिर से नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है। 1 जुलाई 2020 से मेहता का कार्यकाल 3 साल तक के लिए या अगला आदेश आने तक के लिए बढ़ाया गया है। इसी के साथ हमारा आज का सेशन समाप्त होता है। आपको इस करंट अफेयर्स का PDF हमारे टेलीग्राम से मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।